दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी शख्स के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मित्रों, ये कहानी अल्ताफ की है। अल्ताफ जो कि यूपी का रहने वाला था, उसे बचपन से ही ट्रेन में सफर करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन एक हादसे की वजह से आज वो ट्रेन के पास जाने से भी बहुत ही ज्यादा घबराता है। ट्रेन को देख करके ऐसा डर महसूस होता है कि जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। अगर गलती से वो ट्रेन के सामने आ जाए या ट्रेन उसे दिखाई दे जाए तो जैसे छोटा बच्चा किसी चीज से डर करके भागता है और किसी से चिपक जाता है, उसी तरीके से अल्ताफ भी करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, आते हैं कहानी पर। यह हादसा उस समय का है जब अल्ताफ के बाबा का देहांत हो गया था और वो उस समय उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में थे। अल्ताफ को उनका शोक संदेश वहां से करीब 95 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था, वो गांव जो कि जंगलों में बसा हुआ था, भारत के भयानक जंगलों में से एक। उस खतरनाक जंगल में उसे जाना था जहां इसके पहले वो कभी नहीं गया था, क्योंकि उसकी जिंदगी अक्सर शहर में ही बीती और उसे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला। वो गांव पर पहुंच करके पता लगाते लगाते उनके पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाता है और वहां पर बताता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद से वह गांव से बाहर आकर दूर पैदल जा करके एक बस स्टॉप पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि जंगलों में बसों का आना जाना तो वैसे भी कम होता है, उस समय वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। मौसम भी सर्दियों का था और उसे ठंड भी जोरों की लग रही थी। उस वीराने सुनसान जगह पर उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि इंसान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बस थोड़ी दूर पर एक चाय वाला एक स्टॉल खोले बैठा था, वो भी मोमबत्ती की रोशनी में। पास जाने पर उसे पता चला कि वहां पर एक लालटेन भी जल रहा है, जो कि वहां पर लाइट कब आती कब जाती कुछ पता ही नहीं चलता था, या यूं कहें कि शायद आती ही नहीं थी। उनकी तो आदत थी उस तरीके से लालटेन में जीने की, पर अल्ताफ की आदत ऐसी नहीं थी। जब वह चाय वाले के पास पहुंचा तो उसने उससे गाड़ी के बारे में पूछा कि क्या कोई गाड़ी यहां से शहर की तरफ जाएगी, तो उस चाय वाले ने बताया कि बाबूजी, अभी तो कोई बस है नहीं और ना ही कोई बस आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब सुबह होने के बाद ही कोई गाड़ी मिलेगी। इतना सुन करके अल्ताफ के तो होश उड़ गए कि करीब 9 किलोमीटर पैदल आने के बाद वो यहां पर पहुंचा था, और इतनी रात में अब वह वापस जाए तो जाए कैसे। वहां पर केवल जानवरों की आवाज चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। तभी उस चाय वाले ने बोला कि भैया, थोड़ी दूर पर आप चले जाइए, एक रेलवे स्टेशन है और वहां से 9:25 पर आखिरी ट्रेन जाती है, शायद वो आपको मिल जाए। अल्ताफ ने आओ देखा ना ताओ और उससे पूछा कि किधर जाना है, तो उसने बताया कि पीछे जो पटरियां पड़ी हुई हैं इन्हीं को पकड़ के सीधे चले जाइए, आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। उसने बिना देरी किए हुए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। करीब 700 मीटर चलने पर उसे एक औरत दिखाई देती है। उसने सोचा कि चलो कोई तो दिखाई दिया, और वो भाग करके उसके पास पहुंचना चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसके पास पहुंच सके, जिससे कि वो उससे रेल के बारे में कुछ जानकारी जुटा सके या पता कर सके। क्योंकि रात के अंधेरे में उसे चाय वाले पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है
तब तक वो हांफ चुका होता है, क्योंकि वो जितनी तेज दौड़ रहा था वो औरत उतनी ही दूर लग रही थी। लेकिन कैसे भी वह उसके पास पहुंचता है और जैसे ही उससे स्टेशन के बारे में कुछ पूछना चाहता है, तभी वो बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, यहां से भाग जाओ। अल्ताफ के कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने तो इससे कुछ बोला ही नहीं, आखिरकार इसने जवाब कैसे दे दिया। लेकिन वो करता भी तो क्या, उसके पीछे धीरे धीरे चलता रहा और थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उस औरत की चाल थोड़ी अजीबोगरीब लग रही थी। एक सामान्य आदमी जैसे चलता है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने मोबाइल का टार्च जलाया और उस औरत को देखना चाह रहा था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर आखिरकार कर क्या रही है। और जैसे ही उसने अपने मोबाइल के टार्च को ऑन किया, तुरंत वो औरत वहीं से बोली, रोशनी बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। वो उसकी आवाज सुन करके बहुत ज्यादा डर गया और वहां से आंधी तूफान के जैसे वापस उस स्टॉल की तरफ, मतलब चाय वाले की तरफ भागने लगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो उस चाय वाले की तरफ पलट करके भागा, पीछे से आवाज आई जो कि कुछ समझ में आने लायक नहीं थी। इस अजीबोगरीब आवाज को सुन करके वह वापस से रुक जाता है और पीछे पलट करके देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह दोबारा से हिम्मत करके भागना शुरू कर देता है और उसे फिर से उस औरत के जोर से हंसने की आवाज आती है और उसे साफ साफ सुनाई देता है कि आज मैं किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए आज तू बच गया है, नहीं तो तेरी जान किसी भी कीमत पे नहीं बचती और तू मेरा भोजन बन जाता, खाना बन जाता, खून भी मुझे पिलाता। और इतना कह करके वो जोर से उसकी तरफ आने लगी, वो भी बेतहाशा उस चाय वाले की तरफ भागने लगा। लेकिन वो कुछ कदम ही आगे चल पाया था कि अचानक से उस औरत ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अब उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून ना हो। और कुछ ही पल के बाद वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई न था। वो दोबारा से उठा और रेलवे स्टेशन की तरफ पूरी ताकत लगा करके भागने लगा। उसका सर घूम रहा था और डर के नाते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। और भागते भागते वो सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंच गया। स्टेशन मास्टर ने खड़बड़ाते हुए पूछा, कौन हो भाई, क्यों अंदर आ रहे हो? तो उसने रोते रोते पूरी की पूरी बात उन्हें बताई। तो उन्होंने उसे बैठाया और उसे शांत कराया, उसे पानी पिलाया और उससे बताया कि अल्ताफ, तुम जिससे मिल करके आए हो वो कोई और नहीं, एक डायन है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि आज बच गए, नॉर्मली कोई बचता नहीं है। अल्ताफ ने पूछा कि आखिरकार कैसी, कौन डायन? तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि आज से कई साल पहले की बात है, एक औरत इसी ट्रैक पर कट करके मर गई थी, वो भी आत्महत्या करने के कारण। लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती रहती है और लोगों का शिकार करती रहती है। ये घटना इन जंगलों में आम चीजें हैं, क्योंकि जंगलों में कब कहां कैसे क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। धीरे धीरे अल्ताफ सारा माजरा समझ गया और तभी ट्रेन लेट होने के कारण वहां पर आ गई और वह किसी तरह डरते हुए ट्रेन पर बैठ गया और वहां से वापस चला आया। उसके बाद वह दोबारा उधर कभी नहीं गया। लेकिन उसे यह जरूर पता चल गया कि जंगलों में रात बिताना
कितना खतरनाक होता है। कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं जिसे सुनने के बाद एक हट्टा कट्टा आदमी भी डर के नाते ठंड में भी पसीने से तर बतर हो सकता है। उसी घटना के बाद से आज भी अल्ताफ ट्रेनों से बहुत डरता है, या यूं कहें कि रेलवे ट्रैक को देख करके ही उसकी हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि ना अकेले जंगलों में जाएं और ना जंगलों में अकेले रात बिताएं, क्योंकि भूत प्रेत ही नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जो किसी भी इंसान को पलक झपकते मार सकते हैं। वह दृश्य बहुत ही भयावह होता है, क्योंकि जंगलों में मौत आम होती है। इसलिए अपना भी ख्याल रखें, जानवरों का भी ख्याल रखें, और जंगलों का भी ख्याल रखें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।